बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास है भाई, केमिस्ट्री की हमारी बुक है और चैप्टर नंबर हमारा जो 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 भी कंटिन्यू है। आज हम उसका जो है सेक्शन सी करेंगे, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, गिव द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो करेक्टरिस्टिक है हमें वो बताने हैं पेज नंबर 34 पर। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। सोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, एनिमल एंड प्लांट्स एंड मिनरल्स। ये इनकी सोर्स है जहाँ से ये हमें हासिल होते हैं। कंपोजिशन, किस चीज़ से बनते हैं। कार्बन इज़ द की एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आल्सो कंटेन हैलोजन्स, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बाउंड्स, पोलर एंड नॉन पोलर बाउंड्स। ये इनकी कंपोजिशन है। फिर सोलिबिलिटी, मिक्स किस में होते हैं यानी हल पजीरी। अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक रूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोलिबल इन वाटर बट सोलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलिबल इन बेंजीन, कार्बन डिसल्फाइड, एथर एट्सेट्रा एंड पोलर कंपाउंड्स आर सोलिबल इन अल्कोहल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एज कोवेलेंट बाउंड इज वीकर देन आयोनिक बाउंड, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रेट ऑफ रिएक्टिविटी, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कंबशन, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर कंबस्टेबल एंड बर्न इन एयर ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ऑल केसेज इन कार्बन डाइऑक्साइड। और स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल ऑन अ हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 44 पर। पहले मैं तमाम पॉइंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पढ़ रहा हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड, द वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन आइटम्स आर फुली सेटिस्फाई थ्रू सिंगल बाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव अ लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव, दे बर्न विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम इन एयर। द कंपाउंड्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अल्केन्स। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई जनरल फार्मूला CnH2n+2। एग्जाम्पल ऑफ अल्केन्स आर, नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं एथेन और प्रोपेन की। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बाउंड्स। द वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन आइटम्स आर फुली सेटिस्फाइड थ्रू डबल एंड ट्रिपल बाउंड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव अ लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव, दे बर्न विद येलो एंड सूटी फ्लेम इन एयर। द कंपाउंड्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन CnH2n एंड अल्काइन CnH2n-2। ठीक है, अल्काइन और अल्केन में माइनस और प्लस का फ़र्क है। एग्जाम्पल ऑफ अल्केन्स आर, ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनकी, अल्काइन्स की और अल्केन्स की। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेंशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो हमने सोर्सेज बतानी है पेज नंबर 40 पर। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमली लिविंग थिंग्स एंड मिनरल्स। दीज सोर्स आर डिस्क्राइब एज अंडर। देखें, ये एक आपको मैप के ज़रिए बताया जा रहा है, सोर्स ऑफ एक लिविंग थिंग्स हैं और एक तरफ मिनरल्स हैं। मिनरल्स में क्या है, कोल पेट्रोलियम गैस एक साइड पे है। ठीक हो गया। और लिविंग थिंग्स में एनिमल और प्लांट्स के दो सेक्शन बनाए हुए, तो आपने बिल्कुल इसको चाहे तो इसी तरह का आप बना सकते हैं ग्राफ, यानी ये इमेज में जिस तरह बना हुआ है, और नहीं तो इसको दूसरी तरह भी आप लिख सकते हैं, दो चीज़ों में लिविंग थिंग्स और मिनरल्स करके। फिर उन्होंने कोल का पूछा, तीन चीज़ें पूछी, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो ये भी आपने लिखना है। सेकेंड कोल की हेडिंग में सेकेंड लाइन है, कोल इज़ फॉर्म इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कोल इज़ सेड टू हैव अ डेवलप इन नेचर 500 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द रिमेंट्स ऑफ ट्रीज बरीड
deep inside the soil. It was turned to peat as a result of bacterial and chemical process on the wood. Peat was then converted into coal as a result of high temperature and pressure within the earth's crust. फिर पेट्रोलियम है. पेट्रोलियम इज़ अ थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड. इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स टुगेदर विद वाटर सॉल्ट एंड ई अर्थ पार्टिकल्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम. इट इज़ मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस द मेजॉरिटी ऑफ विच आर हाइड्रोकार्बन्स. फिर नेचुरल गैस है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट मीथेन टुगेदर विद अदर गैसेज सच एज इथेन प्रोपेन एंड बुटेन मेक अप अराउंड 85% ऑफ द मिक्सचर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है. डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके यूजेज क्या हैं. पेज नंबर 42 पर यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अनडाउटली सिंथेसाइज स्पॉन्टेनियस बाई एनिमल्स एंड प्लांट्स बट साइंटिस्ट प्रिपेयर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब्स. दीज कंपाउंड्स आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द वुड वी कंज्यूम टू द मैनी गुड्स वी यूज इन अवर एवरी डे लाइव टू मीट आवर रिक्वायरमेंट. यूज एज अ फूड. द फूड वी ईट ऑन अ डेली बेसिस सच एज मिल्क एग्स मीट वेजिटेबल्स एंड सो ऑन आर ऑल ऑर्गेनिक एंड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स विटामिन्स एंड सो ऑन. Uses as clothing, natural cotton, silk, wool, etc. and synthetic polyester, nylon, etc. Fibers are used in all forms of clothing we wear, we use as bed sheet, etc. Nylon, dacron and acrylic, etc. All of these substances are made up of organic components. Uses as a house. Wood is made mostly of cellulose, naturally synthesized organic compound. It's used to build anything from building to furnishings. Use as fuel. Coal, petroleum and natural gas are the fuels we use in our cars and in our homes. These are referred to as fossil fuels. These are all organic compounds. Medical applications. We employ a significant variety of organic compounds naturally generated by plants as medications, antibiotics which suppress or kill bacteria that cause infectious illness and other life-saving medication and transplants are manufactured in laboratories as a raw material. Organic compounds are used to make a wide range of products including rubber, paper, ink, pharmaceuticals, dyes, paints, varnishes, insecticides and more. तो ये आपके आज 4 क्वेश्चन जो है मैंने ये करवा दी हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो. इंशाल्लाह रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा. आई होप कि अच्छी तरह आंसर समझ आए होंगे. अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट्स में रब्ता ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.